सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज जो 20 दिसंबर 2022 का आपका डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का गणित का प्रश्न पत्र हुआ है, इसका पूरा सलूशन यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। हर एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, सॉल्व करते हुए चलेंगे और एकदम एग्जैक्ट आंसर हम लोग देखेंगे कैसे आप कम समय में इसको सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्नों में, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा सबसे छोटा पूर्णांक है। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं आपको पता है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक, और इसी तरीके से 0 के इधर -1, -2, -3 आपने सिंपली संख्या रेखा तो पढ़ ही रखा होगा। तो ये संख्या रेखा पे जो संख्याएं हम लोग दर्शाते हैं 0, 1, 2, 3 और इधर -1, -2, -3 इस तरीके से माइनस इनफाइनाइट तक, ये सभी संख्याएं जिसका डेसिमल पार्ट 0 होता है, जिसमें दशमलव वाला भाग नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। और इसमें आप देखिए इन पूर्णांक संख्याओं में आपसे पूछ रहा सबसे छोटा पूर्णांक है। तो सबसे छोटा पूर्णांक संख्या की अगर बात करें हम, तो देखिए ये देखिए 1 यहाँ पे है और 0 यहाँ पे है, -1 इधर। जैसे जैसे आप बाएं तरफ संख्या रेखा पे बढ़ते जाते हैं वैसे आपको छोटी संख्याएं मिलती जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या तो दी ही नहीं है, सबसे छोटी संख्या क्या होती, माइनस इनफाइनाइट होती है सबसे छोटी पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया है इनमें से कोई नहीं यह सही हो जाएगा, ठीक है। अगर यही ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया होता इनमें से कोई नहीं और यहाँ पे 2, 3, 4 ऐसा कुछ दिया होता तब हम लोग क्या लगाते, तब -1 लगाते, सबसे छोटा पूर्णांक इन चारों ऑप्शन में तब खोजा जाता। लेकिन यहाँ पे जब दिया गया है चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं तो यह सही होगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, अब यहाँ पे सही जो ऑप्शन होगा वह इनमें से कोई नहीं ही होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका परिमाप 3 मीटर है। अब परिमाप आपको दिया है समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज आपको पता है कि सभी भुजाएं जो है वह बराबर होती हैं, तो परिमाप इसका क्या होगा, 3a होगा, 3a बराबर आपको दिया है 3, a बराबर कितना आ जाएगा 1, यानी कि भुजा कितनी आ गई 1 मीटर आ गई, यह ध्यान दीजिएगा यूनिट। अब जब भुजा इतनी आ गई तो एरिया इसका क्या होता है, एरिया इसका होता है 3/4 भुजा का स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का एरिया यही होता है, तो √3/4 भुजा का स्क्वायर यानी कि 1 मीटर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और गुणा होगा तो ये कितना आ जाएगा, √3/4 ही आएगा, तो √3/4 मीटर स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन 2 जो हो जाएगा यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याएं जो केवल खुद से या फिर 1 से कटती हैं ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 में 8 एक संख्या दी गई है जो 2 से 4 से भी कटती है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हुई, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन 3 में आप देखोगे तो 9 जो है वह 3 से 1 से और खुद से कटता है, तो ये भी आपको भाज्य संख्या मिल गई, और यहाँ 6 भी भाज्य संख्या है। तो इस तरीके से ऑप्शन 2 में आप देखोगे 11, 2 और 3 ये तीनों ही संख्याएं जो दी गई हैं वह अभाज्य हैं, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, परिमेय संख्या √3/4 का योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो √3/4 संख्या है, इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जिसमें उस संख्या में हम क्या जोड़ दें कि मान 0 हो जाए। तो देखिए 1 का जो मान आ जाएगा √3/4 को बराबर के उधर भेजेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3/4, यानी कि योगात्मक प्रतिलोम इसका होगा 3/4, और गुणात्मक प्रतिलोम होता है √3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, वह संख्या जिससे में हम इस संख्या का गुणा कर दें तो मान 1 आ जाए। तो अब देखिए
चार उधर जाएगा और ऋण तीन उधर जाएगा, तो ऋण चार बटे तीन ये वैल्यू आ जाएगी। तो योगात्मक प्रतिलोम होगा 3/4 और गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा ऋण 4/3। तो ऑप्शन दो जो है 3/4 और ऋण 4/3 यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है। यह देखिए कराया हुआ प्रश्न है आपको, मैंने कराया है। रेखीय समीकरण कौन सा नहीं है, तो देखिए जहां x की घात 1 होती है उसे हम रेखीय समीकरण कहते हैं। तो यह रेखीय समीकरण है पहला, दूसरा भी रेखीय समीकरण है, तीसरे में देखिए x की घात आपको यहाँ पे 2x² में 2 दिख रही है, तो यह द्विघातीय समीकरण है, यानी कि ऑप्शन 3 जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा, यह रेखीय समीकरण नहीं है। इसके बाद देखिए अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को हम देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों में पांचों आपने देख लिया, उम्मीद है सही किए होंगे। देखिए अतिलघुत्तरीय प्रश्न में धन पूर्णांक 4x-6 के ठीक बाद का धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो कोई भी पूर्णांक है जैसे 5 है, तो इसके बाद का अगर हमें धन पूर्णांक ज्ञात करना होता है तो इसमें हम 1 जोड़ देते हैं, तो हमें मिल जाता है इसके बाद वाला धन पूर्णांक 6। तो इसी तरीके से आपको धन पूर्णांक दिया गया है 4x-6 के ठीक बाद का धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो इसके ठीक बाद का पूर्णांक ज्ञात करने के लिए इसमें धन 1 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 4x-5। तो 4x-6 के ठीक बाद कौन सा धन पूर्णांक आएगा, 4x-5। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, ऋण 2/3 धन ब्रैकेट में ऋण 4/5 ऋण 6/7 को सरल कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन देखिए आप, देखिए ब्रैकेट सब हटाइए, तो ऋण 2/3, फिर देखिए धन का गुणा ऋण में होगा तो हो जाएगा ऋण, क्योंकि अंदर जो है वह ऋण 4/5 है, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये भी ऋण 4/5 हो जाएगा। फिर देखिए ऋण 6/7 है। अब देखिए सभी ऋणात्मक संख्याएं हैं और सभी का जो हर है वह असमान है, तो इसको हम लोग हर को बराबर कर लेते हैं। हर को बराबर कैसे करेंगे, एलसीएम लेकर के, एलसीएम आप लोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम एलसीएम आ जाएगा 3×5×7, क्योंकि यह तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, तो कुछ ऐसा कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, तो यह हो जाएगा ऋण 2×3 में है, 5 और 7 नहीं है, तो 5 और 7 का गुणा हो जाएगा। फिर देखिए ऋण 4×5 में है, 5 और 5 में क्या नहीं है, 3 और 7 नहीं है, तो 3 और 7 का गुणा हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ऋण 6×5 में है 7, तो 3 और 5 का गुणा हो जाएगा, 3 और 5 का गुणा हो जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व करिए तो आ जाएगा ऋण 2×5 10 और 7 का गुणा हो जाएगा 70, तो ऋण 70, और ये हो जाएगा ऋण 4 का गुणा होगा 3 में, तो 4 3 12, 12 7 84, तो ऋण 84, और ये हो जाएगा 6 3 18, 18 5 90, और बटे में कितना आ जाएगा, 15 7 105। और अब ऊपर देखिए सभी माइनस हैं, सभी जुड़ जाएंगे, 90 और 70 हो जाएगा 160 और 84 हो जाएगा 244, तो ऋण 244/105 यही उत्तर आ जाएगा। अब इसके बाद आगे हम देखेंगे, अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 8, 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 15 सेंटीमीटर भुजा का जो वर्ग है उसका एक क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक, और 5 सेंटीमीटर भुजा वाला जो वर्ग है उसका एक क्षेत्रफल निकलेगा। अब जो बड़ा क्षेत्रफल है उसमें से आप छोटे छोटे कई सारे क्षेत्रफल बना सकते हैं, ठीक है, तो यही यहाँ पे हम करेंगे कि बड़ा जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें हम भाग दे देंगे छोटे वाले क्षेत्रफल से, तो हमें मिल जाएगा कि इतने क्षेत्रफल के, छोटे क्षेत्रफल के कितने भाग हमको मिलेंगे बड़े वाले क्षेत्रफल में, यही हमें यहाँ पे करना है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं। देखिए 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा का स्क्वायर यानी कि 15×15। इसी तरीके से 5 सेंटीमीटर वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 5×5 होगा। ठीक, अब हम देखेंगे बड़े वर्ग में छोटे वर्गों की संख्या, तो ये निकालने के लिए हम लोग
15 सेंटीमीटर वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसमें भाग कर देंगे 5 सेंटीमीटर वर्ग वाले क्षेत्रफल। अब 5 से 15 को काटिए, 3 बार में कट जाएगा, और इस 5 से 15 को काटिए, 3 बार में कट जाएगा। उत्तर आ जाएगा 3 × 3 यानी कि 9 वर्ग। तो 9 वर्ग बनेंगे, और यह आप चित्र के भी माध्यम से देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। देखिए, अगर यह बड़ा वर्ग है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है, तो आप 5 सेंटीमीटर का चाप यहाँ पे लगाइए, 5 सेंटीमीटर यहाँ। अब देखिए 15 सेंटीमीटर 5 5 5 में बट गया, और हर भुजा को 5 5 में बांट दीजिए, हर तरफ की जो भुजाएं हैं उनको 5 5 में आप बांट लीजिए, ठीक है। और इस तरीके से इधर भी, अब इन सभी को आप मिलाते जाओगे तो जो वर्ग निकलेगा, इन सभी को आप मिलाते जाओगे इस तरीके से, इस तरीके से आप मिला दोगे तो आपके 9 वर्ग बनके तैयार हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो बड़े वाले 15 सेंटीमीटर का जो वर्ग है उसका, उसमें से 5 सेंटीमीटर के 9 वर्ग निकलेंगे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, एक घनाकार बर्तन की कोर 10 सेमी है, बर्तन में रखे जल का आयतन लीटर में ज्ञात कीजिए। अब यह मैंने आपको बार बार बताया है कि अगर 10 सेंटीमीटर का कोई घनाकार बर्तन है तो उसकी 10 सेंटीमीटर घनाकार मतलब कि उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो गई, तो तीनों ही 10 सेंटीमीटर हो गया, और तीनों ही 10 सेंटीमीटर का अगर होता है तो उसमें कितना आता है, 1 लीटर आता है, ये मैंने आपको बार बार बताया है। अब सॉल्व आप कैसे करते, क्या लिखते आप देखिए, 9 प्रश्न संख्या है ये, और घनाकार बर्तन का जो कोर है, जो भुजा है वह 10 सेमी है, ठीक। अब आयतन कितना हो जाएगा, घन का आयतन आप लिखते तो ये होता है भुजा क्यूब, तो ये हो जाता 10 का क्यूब यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। अब आपको पता होता है 1 लीटर में होता है 1000 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इस 1000 सेंटीमीटर क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आयतन बराबर 1 लीटर। इसी तरीके से आसानी से बिल्कुल आपका सॉल्व हो जाता, इसका जो बर्तन में रखे जल का आयतन आ जाएगा वह 1 लीटर आ जाएगा, क्योंकि जो बर्तन का आयतन है वह 1 लीटर है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 10 है, इसमें गुणा करना है इससे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, गुणा कर लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 10 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में गुणा हो रहा है एक्स प्लस वाई का। अब देखिए एक्स का पहले इस पद में पूरा गुणा होगा, फिर वाई का पूरा गुणा होगा इस पद में। तो इस तरीके से आप लिख लीजिए, चाहे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स, फिर प्लस इसी में गुणा होगा वाई का इंटू वाई, ये बीच में प्लस है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। अब बराबर एक्स का गुणा करिए, एक्स स्क्वायर में होगा तो हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर एक्स का गुणा होगा माइनस एक्स वाई में तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, फिर वाई स्क्वायर में होगा तो हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए, अब वाई का गुणा होगा इसमें पूरे में तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अब आप देखिए समान पदों को साथ में जोड़ा घटाया जाता है, तो एक्स क्यूब यहाँ पे है, कहीं पे एक्स क्यूब का पद है, नहीं है, तो एक्स क्यूब इसी तरीके से आप लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे है माइनस एक्स स्क्वायर वाई, यानी एक्स की 2 घात और वाई की 1 घात, कहीं और पे है तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब ये देखिए यह ऋणात्मक है या धनात्मक है, तो आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी 0। और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए प्लस एक्स वाई स्क्वायर है और यहाँ पे है माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो ये भी आपस में कट जाएंगे, ये भी 0 हो जाएंगे, और बचा है देखिए वाई क्यूब। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी गुणा करने के बाद, ये आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब यहीं पे आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि बस गुणा करने को बोला है, इसका गुणनखंड करने को बोला नहीं है। अगर गुणनखंड करने को बोलता तो यहीं पे आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी लगा सकते थे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 11 है, किसी संख्या के 1/4 में से 1 घटाने पर शेषफल 1 है,
वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब माना वह संख्या x है, तो यहाँ पे जो कह रहा है कि किसी संख्या के एक चौथाई में से एक घटाने पे, यानी कि x संख्या है तो इसके एक चौथाई मतलब इसमें एक से 1/4 से गुणा कर दीजिए या 4 से भाग कर दीजिए, ये हो जाएगा इसका एक चौथाई, और इसमें से एक घटा दिया जा रहा है तो वैल्यू कितनी मिल रही है, एक मिल रही है। यही यहाँ प्रश्न में कहा गया, किसी संख्या के एक चौथाई में से एक घटाने पर शेषफल एक है। तो वही हमने किया है, संख्या x है, इसका एक चौथाई में से एक हमने घटा दिया है और बराबर दिखा दिया है एक के, ये हो जाएगा x/4 - 1 = 1। अब हर समान कर लीजिए तो x -4/4 = 1 के। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, त्रिक गुणा होगा, जो इधर बटे में 4 उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो x-4 = 4 के, और इधर से देखिए -4 जाएगा उधर जुड़ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8। x की वैल्यू जो आ जाएगी 8 आ जाएगी, मतलब वह संख्या कितनी होगी, 8 है। अब 8 में आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं, 8 में 4 से भाग देंगे और 1 घटा देंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके त्रिक उत्तरीय प्रश्न आपने बिल्कुल सही सही किए होंगे, 11 नंबर यहाँ तक आपके बनते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रश्नों को, देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न अब हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 12 है, एक वर्गाकार बागीचे के चारों ओर 50 सेमी चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है, बागीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है, बागीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक वर्गाकार बागीचा है, पहले तो आप ये समझिए लंबाई चौड़ाई जो है समान होगा, क्योंकि बागीचा जो है वर्गाकार है, और बोला है कि इसके चारों ओर 50 सेंटीमीटर जो चौड़ा मार्ग निकाला जा रहा है, और कुल लंबाई दी गई है, कुल कितनी भुजा है, 51 मीटर है, और 51 मीटर में किनारे किनारे 50 सेंटीमीटर का मार्ग है, फिर आपसे पूछ रहा है जो बचा हुआ बागीचा है उसका क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, फिगर के माध्यम से आप समझ लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक बागीचा है वर्गाकार, इस तरीके से आप समझ लीजिए वर्गाकार बागीचा है, जिसकी जो लंबाई है वह है 51 मीटर। ठीक, अब यहाँ पे आपसे बोल दिया गया कि यहाँ पे किनारे किनारे इसके रास्ता निकाला गया है, इसके किनारे किनारे रास्ता निकाला गया है, चारों तरफ से रास्ता निकाला गया है बोला गया, जैसा कि प्रश्न में, और बोला गया इस रास्ते की जो चौड़ाई है वह 50 सेंटीमीटर की है, रास्ते की जो चौड़ाई है वह 50 सेंटीमीटर की है। ठीक, अब यहीं से आप समझिए कि रास्ते की जो चौड़ाई है, मार्ग की चौड़ाई बराबर है 50 सेंटीमीटर। अब बाकी जो चीजें दी गई हैं वह मीटर में दी गई हैं, तो इसे हम लोग क्या 100 से भाग करके इसे हम लोग मीटर में बदल लेंगे, इसे लिख सकते हैं हाफ मीटर लिख लीजिए, या 0.5 मीटर इसको लिख लीजिए आप, तो 0.5 मीटर ये हो जाएगा। ठीक है, और 0.5 मीटर इधर से भी घटेगा, 0.5 मीटर इधर से घटेगा, तो ये बचेगा कितना, ये बचेगा 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर ये बच जाएगा और इधर भी 50 मीटर बच जाएगा, आप समझ पा रहे होंगे, आधा मीटर इधर से घट गया, आधा मीटर इधर से घट गया, तो बचा कितना, 1 मीटर घट गया, बचा 50 मीटर। तो अब शेष बागीचे की भुजा अगर देखी जाए तो वह कितनी हो जाएगी, 50 मीटर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे फिगर से 50 मीटर हो गई, तो अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग यानी 50 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2500 मीटर स्क्वायर। यही आपसे पूछ रहा है कि अब जो शेष बागीचा है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, उसका क्षेत्रफल होगा 2500 मीटर स्क्वायर। तो ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, अब आगे हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, देखिए प्रश्न संख्या 13, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आया था, ये हमेशा आपको एक घात द्वि घात में देखने को मिले होंगे प्रश्न, लेकिन यह 2 घात और 3 घात में है। ठीक है, ऐसा प्रश्न आप कम ही लोगों ने सॉल्व किया होगा, मुझे पता है। अब आगे देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे आप देखोगे, प्रश्न संख्या 13 का, 1/x²
बराबर कितना दिया गया है, 82/9 ये वैल्यू दी गई है। और वैल्यू निकालनी किसकी हमको, x³ - 1/x³ की, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग करते हैं x - 1/x की वैल्यू हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए x - 1/x का होल स्क्वायर, इसका मान क्या होता है, a² + b² यानी कि 1/x का होल स्क्वायर यानी कि 1/x का स्क्वायर, फिर -2ab यानी कि a कितना है x है और b कितना है 1/x है। यहाँ पे हमने a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है और कुछ नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पे x² + 1/x² बराबर, देखिए x से x कट जाएगा, बचेगा ओनली -2। अब देखिए इसकी वैल्यू हमें पता है, x² + 1/x² की वैल्यू है 82/9। अब -2, अब इसे आगे सॉल्व करिए तो 82 हर समान करिए तो 9 का गुणा होगा ऊपर 2 में, ये हो जाएगा -18 और पूरे के बटे 9। अब वैल्यू कितनी आ जाएगी, घटा लेंगे तो 82 में से 18 जाएगा तो बचेगा 64 और बटे में 9। और ये हो गया x - 1/x के होल स्क्वायर की वैल्यू। ठीक, अब x - 1/x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा √64/9 और ये हो जाएगा 64 कितना किसका स्क्वायर होता है, 8 का और 9 3 का, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 8/3 यानी कि x - 1/x की वैल्यू जो हो जाएगी वह 8/3 हो जाएगी। यह आपको मिल गया। अब इसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना था a³ - b³ का। a³ - b³ का फॉर्मूला आपको पता होता है, एक ब्रैकेट में होता है a - b और दूसरे ब्रैकेट में होता है a² + ab + b². यहाँ पे आपको क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, x³ - 1/x³ की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए a की जगह है x और b की जगह है 1/x। ठीक है, तो अब यहीं से वैल्यूज पुट करिए, x - 1/x और दूसरे ब्रैकेट में है x² + x * 1/x + 1/x² या सीधे लिख देंगे 1/x² अब इसका वैल्यू तो हमको निकालना ही है x³ - 1/x³ का, इसकी वैल्यू हमको पता है, x - 1/x की वैल्यू हमको पता है 8/3 तो रख दीजिए। अब इसके बाद आगे देखिए, इसको देखिए लिख सकते हैं x² + 1/x² फिर +1, x से x कट जाएगा, इस तरीके से हमने लिख दिया x² और 1/x² को एक जगह लिखा है हमने और बस कुछ नहीं किया है। और यहां से आगे देखेंगे अब 8/3 और इनटू इसको कितना हम लोग लिख सकते हैं x² + 1/x² को, जैसा कि हमें वैल्यू वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में, हम लोग लिख सकते हैं 82/9 +1 हो जाएगा। अब इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8/3 इनटू हर समान कर लेंगे तो आ जाएगा 9 और 9 जुड़ जाएगा 82 में, ये हो जाएगा 91। अब देखिए 3 का गुणा 9 में होगा तो 27 और 8 का गुणा होगा 91 में तो 8 और 9 8 72 तो हो जाएगा 728/27 यानी कि x³ - 1/x³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 728/27 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी से हल कर सकते थे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था, माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक दंपत्ति की बात हो रही है, एक माता पिता की बात हो रही है, जिसमें बात ये हो रही है कि माता की जो आयु है प्रेजेंट समय में वह पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, और अगर 10 साल पहले की बात की जाए तो दोनों के आयु में जो अनुपात था वह 5:6 का था। तो माँ की जो वर्तमान आयु है वह ज्ञात करना है आपको। चलिए देखते हैं किस प्रकार से, सबसे पहले जो आपको ज्ञात करना है वही हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, जो माता की वर्तमान आयु है वह हम लोग मान लेते हैं, माँ की आयु
माना माँ की आयु लिखिएगा बराबर एक्स है, ठीक है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु, माता की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, एक्स धन 5 हो जाएगी, क्योंकि माता की एक्स है तो पिता की उससे 5 ज्यादा होगी, एक्स धन 5। और 10 वर्ष पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो माता की आयु कितनी होगी, माँ की आयु, माता की आयु, माता की आयु होगी x माइनस 10, और पिता की आयु, पिता की आयु होगी x धन 5 ऋण 10, यानी कि x ऋण 5 हो जाएगा पिता की आयु। अब 10 वर्ष पूर्व की ही बात कर रहा है, जो अनुपात दिया गया है हमें, अनुपात जो दिया गया है माता और पिता के आयु में जो अनुपात है वह कितना दिया गया है, वह अनुपात हमें यहाँ पे दिया गया है 5:6 का, यानी कि 5/6 लिख सकते हैं इसे। और 10 वर्ष पूर्व की ही बात हो रही है, तो माता की आयु यानी कि x ऋण 6/x ऋण 5 बराबर हो गया है 5/6 के। तो अब यहाँ से त्रियक गुणा कर लीजिए, तो 6 का गुणा होगा x ऋण 10 में और 5 का गुणा होगा x ऋण 5 में, ठीक है। अब गुणा करिए, हो जाएगा 6x माइनस 6 का गुणा 10 में 60 और 5x माइनस 25, ठीक है। अब 5x को इधर ले आइए, 6x में से घट जाएगा, बचेगा x और ऋण 60 उधर जाएगा तो धन 60 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी, 35। जो माता की वर्तमान आयु हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 है, एक कमरे की लंबाई 64 मीटर और 7 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई है 20 मीटर और 21 सेंटीमीटर, उस बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात कीजिए जिससे टाइल को बिना तोड़े फर्श में लगाया जा सके। अब यहाँ पे समझिए कि एक कमरा है उसमें टाइल्स लगनी है, ठीक है, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हमें बड़ी से बड़ी टाइल्स लगानी है और टाइल्स कोई टूटे ना, यह हमें काम करना है, ठीक है। तो देखिए, ऐसी टाइल्स चाहिए होगी जो चौड़ाई को भी पूरा पूरा ढक रही हो और साथ साथ लंबाई को भी पूरा पूरा ढक रही हो, और टाइल्स जो होगी वह वर्गाकार होगी, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। टाइल्स की तो टाइल्स अपने आप में तो वर्गाकार होगी, लंबाई चौड़ाई उसकी समान होगी, लेकिन वहां पे टाइल्स को तोड़ना नहीं है, पूरी तरीके से लंबाई और चौड़ाई में सेट करना है। तो यह कैसे निकालते हैं हम लोग, यह हम लोग निकालते हैं महत्तम समापवर्तक के द्वारा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के द्वारा। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए जो लंबाई है कमरे की लंबाई की अगर हम बात करें तो लंबाई है 64 मीटर और 7 सेंटीमीटर, इसको पूरे को आप सेंटीमीटर में लिख लीजिए तो ये हो जाएगा, मीटर को बदलेंगे तो हो जाएगा 6400 सेंटीमीटर धन 7 सेंटीमीटर, यानी कि 6407 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। और इसी तरीके से चौड़ाई को लिख लीजिए, चौड़ाई जो हो जाएगा वह दिया गया है 20 मीटर और 21 सेंटीमीटर। अब इसे आप लिखोगे तो ये आ जाएगा 20 का 2000 और 21 सेंटीमीटर, ठीक। अब यही लंबाई चौड़ाई है कमरे की। अब यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि बड़ी से बड़ी टाइल्स लगाएं, ठीक है, और वर्गाकार टाइल्स है, तो यहाँ हमें इन दोनों का HCF लेना होगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 6407 सेंटीमीटर और 2021 सेंटीमीटर। अब देखिए 6407 को कितना लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड अगर हम लोग करते हैं तो इसको लिखा जा सकता है 43 × 149, और किसी से देखिए यह नहीं कटेगा, आप किसी से भी ट्राई करेंगे, देखिए 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 11 से 13 से 14 से, ये सीधे 43 से कटेगा, ठीक है। और इसी तरीके से 2021 को लिखा जा सकता है 43 × 47।
अब यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक, तो ये हो जाएगा मासा बराबर 43, जो दोनों जगह कॉमन होता है उसी को हम लोग लिख लेते हैं, मासा आ गया 43। फिर यहाँ से हम लोग कह सकते हैं जो बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा होगी वह कितनी होगी, वह होगी 43 सेंटीमीटर। यहां से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यह मासा का क्वेश्चन था, इसको आप सॉल्व कर लेते। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 16 है। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, उसके व्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल आपको दिया गया है और उसका व्यास आपसे पूछ रहा है। तो देखिए क्षेत्रफल एरिया बराबर आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, और एरिया कितना दिया गया है 154, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और आर की वैल्यू हमें नहीं पता है। अब देखिए गुणा कर दीजिए तो कितना आर स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 154 गुणे 7 और बटे में 22। अब 22 से काटेंगे आप 154 को तो 7 बार में कट जाता है, आर स्क्वायर बराबर हो गया 7 का स्क्वायर, आर बराबर हो गया 7। और व्यास आपसे पूछा था दोस्तों, व्यास क्या है होता है, व्यास बराबर होता है 2 × r, तो हो जाएगा 2 × 7 यानी कि 14 सेंटीमीटर, व्यास की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या 17 है, यह बॉर्ड मास का क्वेश्चन है। यहाँ पे कैसे हम लोग किसको सॉल्व करते हैं पहले यह आपको देखना है, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 112 माइनस बड़ा ब्रैकेट 121 भागा छोटा ब्रैकेट 11 × 11 माइनस, फिर ब्रैकेट में -4, फिर माइनस मझला ब्रैकेट 3 − 8 − 1 के ऊपर लाइन है और ब्रैकेट क्लोज और बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, जिन संख्याओं के ऊपर लाइन होता है, ऑपरेशंस के ऊपर लाइन होता है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो बड़ा ब्रैकेट 121 इसी तरह लिख लीजिए, भाग 11 × 11 माइनस ब्रैकेट में -4 माइनस मझला ब्रैकेट और 3। अब देखिए माइनस पहले ये सॉल्व होगा तो ये सॉल्व होके क्या हो जाएगा 8 − 1 = 7, तो ये आ जाएगा -7 ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद देखिए 112 माइनस बड़ा ब्रैकेट 121 भागा, अब छोटे ब्रैकेट सॉल्व होना स्टार्ट होंगे। अब सभी ब्रैकेट्स में जितनी चीजें हैं तो 11 × 11 कितना हो जाएगा 121 आ जाएगा, फिर माइनस यहाँ ब्रैकेट खोल देंगे और कुछ नहीं करना है तो हो जाएगा +4, फिर यहाँ माइनस है। अब देखिए बड़े यहाँ मझले ब्रैकेट में 3 − 4 तो बचेगा -4, फिर ब्रैकेट खुलेगा तो ब्रैकेट के बाहर है माइनस, -4 में माइनस का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा +4, ठीक ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद देखिए 112 माइनस, अब देखिए 121 भागा 121 है। अब यहाँ बड़े ब्रैकेट में आप देखोगे तो अब इस बड़े ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे और इसमें आप देखेंगे तो भाग का चिन्ह है और दो धन का चिन्ह है, तो सबसे पहले भाग के चिन्ह को सॉल्व करेंगे तो 121/121 हो जाएगा, धन 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, पहले इसी को कर लेते हैं तो धन 4 इसी तरीके से अभी लिखिए। अब इसके बाद देखिए 112 माइनस 1 − 4 − 4 इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट में जितनी चीजें हैं उनको जोड़ लीजिए, अब केवल प्लस का चिन्ह बचा है तो ब्रैकेट में आ जाएगा 9। अब ब्रैकेट खुलेगा तो 112 माइनस 9 आएगा और 9 घटा दीजिए 112 में से तो कितना बच जाएगा 103, यानी कि उत्तर कितना आ जाएगा 103। ये आपका 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा था कि प्रीवियस ईयर जरूर पढ़िए। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है, एक टोकरी में यादृच्छिक रूप से चुने गए 40 संतरों के भार ग्रामों में नीचे दिए गए हैं। यादृच्छिक रूप से मतलब रैंडमली, मतलब ऐसे ही किसी को भी उठा लिया गया है एक टोकरी में से
संतरों को, यहाँ बताया गया कि 40 संतरों को निकाला गया है, लेकिन यहाँ जो मान दिए गए हैं आप देखेंगे, चार ये आठ, आठ और चार 12, 12 चार 16, 16 चार 20 और चार 24 और चार 28 और ये दो मान दिए गए हैं, ये 30 मान टोटल दिए गए हैं। और बोला कि वर्ग माप 10 लेकर के टैली चिन्ह बनाते हुए बारंबारता सारणी बनाइए। यहाँ पे आपको बारंबारता सारणी बनानी है जिसमें टैली चिन्ह भी दिखाना है और वर्ग अंतराल कितना रखना है, 10 रखना है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा आंकड़ा लंबा दे दिया गया था, समय आपके लिए कम पड़ा होगा मैं जान रहा हूँ, और इसीलिए आपको मुश्किल भी पड़ा होगा। ये मुश्किल नहीं है, बस आपके लिए क्या है कि समय इसके लिए ज्यादा चाहिए था, क्योंकि यहाँ देखिए आंकड़ों में भी कंफ्यूज किया है। 40 संतरों को बोला गया जबकि मान दिया गया है 30 ही संतरे का, तो 30 ही संतरे का आप टैली चिन्ह बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले जो भी आंकड़े दिए गए हैं उनको हम लोग एक क्रम में, आरोही क्रम में लिख लेते हैं। जो भी आंकड़े दिए गए हैं आप आंकड़ों को ध्यान से देखेंगे तो 30 आपको 3 बार लिखा हुआ मिलेगा, इसी तरीके से 35 एक बार लिखा हुआ मिलेगा, 40 आपको यहाँ पे 3 बार लिखा हुआ मिलेगा, और 45 आपको 3 बार लिखा हुआ मिलेगा, और 50 एक बार लिखा हुआ मिलेगा। साथ ही इसके बाद देखिए 55 आपको 3 बार लिखा हुआ मिलेगा, 60 जो है वह 3 बार लिखा हुआ मिलेगा, 65 जो है वह आपको 2 बार लिखा हुआ मिलेगा, और 70 जो है यह आपको 5 बार लिखा हुआ मिलेगा। 70 जो है यह 5 बार लिखा हुआ 70 मिलेगा, और 75 4 बार लिखा हुआ मिलेगा। इस तरीके से आपको क्रम में लिख लेना है सभी संख्याओं को, और 80 देखिए 2 बार लिखा हुआ मिलेगा। 30 से संख्याएं स्टार्ट हैं और 80 तक हैं, और आपको यहाँ पे मैंने बता दिया कौन सी संख्या कितनी बार आ रही है, मतलब 3 संतरे 30 ग्राम के हैं, 1 संतरा 35 का है, और 3 संतरे 40 ग्राम के हैं, इस तरीके से हैं। अब यहाँ पे आपको टैली चिन्ह बारंबारता सारणी बनानी है, टैली चिन्ह भी बनाना है। तो सबसे पहले देखिए वर्ग, वर्ग अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, देखिए 30 से शुरू है 80 तक गया है, तो 30 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। 30 से 40 का वर्ग बनाइए, ठीक है, फिर 40 से 50 का वर्ग बनाइए, 50 से 60 का वर्ग बनाइए, 60 से 70 का वर्ग बनाइए, इसके बाद 70 से 80 का वर्ग बनाइए, और 80 से 90 का वर्ग बनाइए, ठीक है, क्योंकि 80 तक है और 80 को भी हमें लेना है। अब देखिए 30 30 में आ जाएगा, ठीक, और 35 भी इसी वर्ग में आ जाएगा 30 से 40। तो टैली चिन्ह का भी आप एक कॉलम यहाँ पे टैली चिन्ह का भी बना लीजिए, और इसके बाद यहाँ पे देखिए बारंबारता आ जाएगा, एक कॉलम में बारंबारता आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 30 जो है इसमें आ जाएगा, इस वर्ग में, तो 3 और 35 भी इसी में आएगा। 30 से लेकर के 39 तक को हम इस वर्ग में रखेंगे, और 40 से लेकर के 49 तक दूसरे वर्ग में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 30 3 है, 35 1 है, तो कितनी संख्याएं हो गई, 4, तो 4 पाई खींच दीजिए, ये 4 हो जाएगा टैली चिन्ह, और बारंबारता में 4 इस तरीके से लिख दीजिए। इसके बाद देखिए 40 की 3 और 45 की 3 और 50 को नहीं लेंगे तो 6, तो यहाँ पे 6 का टैली चिन्ह आप बनाएंगे और 6 यहाँ बारंबारता लिखेंगे। तो 6 का टैली चिन्ह किस तरीके से बनाएंगे, इसमें देखिए 6 को कैसे दिखाते हैं, 4 लाइन आप खींच देंगे, फिर 5 दिखाने के लिए इस तरह इसको काट देते हैं और 1 लाइन और बना दीजिएगा, ये हो जाएगा 6। इसके बाद देखिए 50 से 60 को, तो 50 से 60 में 50 आ रहा है, 55 3 आ रहा है, तो ये इसका कितना हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा बारंबारता, क्योंकि इसमें 4 संख्याएं आ रही हैं, तो ये 4 और 4 का टैली चिन्ह बना दीजिए, 4 लाइन। इसी तरीके से 60 से 70 के बीच में देखिए, तो 60 3 आ रहा है, 65 2 आ रहा है, तो इसका भी टैली चिन्ह कितना हो जाएगा, इसकी बारंबारता हो जाएगी 5, और टैली चिन्ह इस तरीके से बना दीजिए, 4 खड़ी लाइन और कट लगा दीजिए, ये हो जाएगा 5। अब इसके बाद 70 से 80 में देखिए, तो 70 5 आ रहा है और 75 4 आ रहा है, तो 9 हो जाएगा, इसका जो बारंबारता हो जाएगा 9, टैली चिन्ह बनाइए, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, फिर 6 7 8 9,
ठीक। इसके बाद 80 से 90 में 80 देखिए 2 आ रहा है, तो 2 खड़ी पाई और यहाँ पे बारंबारता 2, और बारंबारता का अगर आप योग लोगे यहाँ पे तो कितना आएगा, 30 आएगा। 2 और 9 11 और 5 16, 4 20 और 6 26 और 4 30। तो यहाँ पे बारंबारता 30 आ गई। आपको 30 संतरों का यहाँ पे संख्या दिया है, ठीक है। तो उम्मीद है पूरा क्वेश्चन पेपर आपको समझ में आया, जितना मैंने सोल्यूशन आपको कराया पूरा समझ में आया होगा। हर एक क्वेश्चन आपने ढंग से देखा होगा, ढंग से किया होगा। जहां भी कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके बताइए, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं यह आप मुझे कमेंट करके बताइए, और किस लेवल का पेपर आया था यह आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अपने फ्रेंड्स में तुरंत आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सभी जगह सभी ग्रुपों में अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि सभी लोग सही सही सोल्यूशन देख पाए और अपने कितने मार्क्स उनके गणित विषय में बन रहे हैं यह जान पाए, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस हम डेली लेकर के आते रहते हैं, आपसे के टीचिंग से जुड़ा हर एक जानकारी आपको यहाँ चैनल पे मिलेगा। पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए और इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा। सेकंड सेमेस्टर का सब कुछ मैंने मैथ में आपको पढ़ाया है, पूरा सिलेबस पढ़ाया है और राजन पवन सीरीज पढ़ाया है, प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन पेपर कराए हैं मैंने आपको, और आपका मास्टर क्लास, आपका फॉर्मूले का वीडियो सब कुछ आपको चैनल पे मिल जाएगा। नीचे लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर के आप सभी को देख सकते हैं। और आपको अगर और अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी है अपने सेमेस्टर की, तो आप नीचे दिए गए लिंक से हमारा ऐप टारगेट यूपीटेट सीटेट डाउनलोड कर लीजिए। आपके थर्ड सेमेस्टर का देखिए, आपके थर्ड सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर आप दे रहे हैं कंप्लीट हो रहा है, थर्ड सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सभी सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल है हमारे ऐप पे। वहां से जाकर के आप सभी विषयों के हैंड रिटन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, उसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट को हमने चैप्टर वाइज पढ़ाया है, उसको आप देख सकते हैं, और साथ ही वहाँ पे टेस्ट आप दे सकते हैं, और सभी महत्वपूर्ण वीडियोस और सभी सीरीज की पीडीएफ वहाँ पे उपलब्ध है। तो बहुत सारी सुविधाएं आपको ऐप पे मिलेंगी। अब इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।